और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में विंडोज 11 का कंट्रोल सेंटर कैसे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। गाइस अगर आप अपने फोन में विंडोज 11 का कंट्रोल सेंटर अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं आज आपको बताएंगे कैसे आप अपने फोन में विंडोज एंड्रॉइड 11 का कंट्रोल सेंटर कैसे अपने फोन में अप्लाई करेंगे। आपके पास कोई भी फोन हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन्फिनिक्स कोई भी फोन है, तो अगर आप उस फोन में चाहे आपके पास कोई सस्ता से सस्ता या फिर महंगा से महंगा फोन है, आप उसमें अगर विंडोज 11 का कंट्रोल सेंटर अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम यहां से आपको बिल्कुल बता रहे हैं। तो यहां देखिए अभी हमारे पास फिलहाल ओल्ड है जो कि हमारे फोन में एंड्रॉइड 10 का भी है, 10 वर्जन हमारे फोन में चल रहा है। तो हम यहां से अपने फोन में जो कि विंडोज 11 यानी कि एंड्रॉइड 11 का कंट्रोल सेंटर अपने फोन में आपको अप्लाई करके यानी कि इंस्टॉल करके दिखाएंगे। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको देखिए सबसे पहले करना क्या, अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को गाइस जब ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सर्च बार में चले जाना, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना विंडोज 11। तो यहाँ देखिए जैसे कि हम विंडोज यहाँ पे 12 सर्च किया और यहाँ पे हम इसको 11 करते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे 11 करते हैं और यहाँ पे गाइस सर्च कर दिए और आपको यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन मिलेंगे। बट गाइस जिस एप्लीकेशन को हम आपको बताएंगे डाउनलोड करने के लिए, आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, आपको दिख रहा होगा विन 11 स्टाइल कंट्रोल सेंटर और इसकी अभी एप्लीकेशन की रेटिंग काफी खास ने अभी 1 के है। अभी एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी लॉन्च हुआ है तो काफी अच्छी इसकी रेटिंग है और काफी अच्छा सपोर्ट भी करता एप्लीकेशन। तो हम अपने फोन में विंडोज 11 का कंट्रोल सेंटर अप्लाई करके दिखाएंगे। तो हम देखिए इसको ऑलरेडी पहले से अपने फोन में डाउनलोड करके रखें और हम इसको देखिए करते हैं ओपन। तो हम देखिए यहाँ पे गाइस इसको कर दिया ओपन और कुछ आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें कैसे क्या परमिशन देना है। कंट्रोल सेंटर लेयर आउट यहाँ पर गाइस क्लिक करना आपको और यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे और यहाँ पे ओके कर देना है। शॉर्ट कोड मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ऑन कर देना और यहाँ से बैक आना है। फिर से आपको बैक आना है, कंट्रोल सेंटर परमिशन यहां पर गाइस क्लिक करके आपको इसका परमिशन दे देना है अलाउ। तो यहाँ पे आपको परमिशन देके फिर से बैक आना है और यहाँ आपको मिलेगा अनबेलबल नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे आपको गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको विंडोज 11 कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एप्लीकेशन को परमिशन देके यहाँ पे गाइस आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर देखिए हम अलाउ कर दिए, फिर से यहाँ पे हम बैक आते हैं, बैक आगे एक बार और बैक आते हैं और यहाँ पे सिम चेंज परमिशन। तो यहाँ पर गाइस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है, अलाउ करेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो हम देखिए यहाँ पे गाइस अपने फोन में नेक्स्ट कर दिए एंड गाइस यहाँ पे अभी कुछ लोडिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए हमारे फोन में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया है। तो आपके भी फोन में कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे देखिए आपको चेंज ऐप वॉलपेपर और सिलेक्ट वॉलपेपर फोन गैलरी और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे अपना कंट्रोल सेंटर स्क्रॉल करते हैं विंडोज 11 का, तो हम देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया और देखिए कंट्रोल सेंटर देखने में काफी अमेजिंग काफी हेयरफुल लग रहा है और यहाँ पे अभी और भी मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए देखने में काफी अमेजिंग काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अगर आप साइड से करेंगे यहाँ पे अलार्म मिलेगा आपको, बैटरी सेवर मिलेगा, डार्क मोड, तो यहाँ पे डाटा सेवर मिलेगा, स्क्रीन चैट मिलेगा और यहाँ पे स्क्रीन शॉट मिलेगा। आप यहीं से डायरेक्टली स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इधर आपको देखिए जीमेल मिल जाएगा, फेसबुक मिलेगा, व्हाट्सअप मिलेगा, डार्क मोड मिल जाएगा, आई प्रोटेक्शन मिलेगा और यहाँ पे रियलमी शेयर, ऐप लॉक, स्विच इनपुट और यहाँ पे आपको मिलेगा यूट्यूब। यहाँ पर गाइस अगर आप क्लिक करेंगे आपके फोन में यूट्यूब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो देखिए कंट्रोल सेंटर कितना अच्छा है और यहाँ पे और भी मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल सेंटर के बारे में। यहाँ पर देखिए और ये देखिए हम पहले इसकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा करते हैं, यहाँ पर देखिए हम कर दिया ब्राइटनेस भी यहाँ पे कम हो चुकी है और यहाँ पे देखिए हम इसको स्क्रॉल करके पूरा फुल करते हैं। यहाँ पर गाइस कर दिए और एक साइड अब यहाँ पे देखिए हम करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और इधर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपने फोन में इसका कलर फ्री या चेंज करना चाहते हो हम आपको बताएंगे कलर भी कैसे इसका चेंज करना है। यहां से देखिए हम बैक आते हैं और यहां पर गाइस क्लिक करते हैं और इस कंट्रोल सेंटर वाले एप्लीकेशन में जाते हैं, यहां आपको मिलेगा कलर का ऑप्शन, यहां पे गाइस क्लिक करना और यहां पे हम देखिए रेड कलर को ओके करते हैं। यहां पर हम इसकी रेटिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, हम इसकी भी देंगे 4 रेटिंग। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग दे दिया और यहाँ पे देखिए अब स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल किया और यहाँ पे देखिए कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए गाइस अब ये ग्रीन कलर था, अब यहाँ पे ये हमारे फोन में रेड कलर हो चुका है। और भी यहाँ से और भी सेटिंग आपको मिलेगा, यूज कलर और भी यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, वाल पेपर भी मिलेगा आपको देखने को, वाल पेपर मिलेगा, चेंज ऐप वाल पेपर मिलेगा, सिलेक्ट वाल पेपर फोन मोबाइल और यहाँ देखिए हम गाइस क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। हम देखिए यहाँ से गाइस अपने फोन में जो कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर, यानी कि जब आपका कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा तो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ही आपके फोन में जो कि चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस वॉलपेपर को अगर आपको सेट करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको सिलेक्ट वो वॉलपेपर फोन गैलरी, और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हैं विंडोज 11 को इंस्टॉल करके। देखिए तो देखने में काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा। तो आप यहाँ से सेटिंग करके अपने फोन में विंडोज 11 का कंट्रोल सेंटर अप्लाई करके इंस्टॉल करके अपना कंट्रोल सेंटर बिल्कुल गाइस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।